गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं निशा और आप सभी का मैं अपने चैनल निशाज बास्केट में एक बार फिर वेलकम करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना अपना टेक केयर कर रहे होंगे। बहुत गर्मी है, मौसम बहुत ही खराब चल रहा है और हम भी सब आपकी दुआओं से एकदम ठीक है। तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले यही रिक्वेस्ट करती हूँ एक बार फिर कि जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ब्लॉग अगर अच्छा लगे, वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। बिग बॉस का रिव्यू देने में एक बार फिर आ गई हूं। आखिरी के दो ही दिन रह गए हैं, यानी कि कल का आज का दिन और कल का दिन, परसों तो फिनाले है। पर फिनाले होने से पहले जो बिग बॉस का डिसीजन है, हम जैसे लोगों को पसंद नहीं आया। अब आप ये देखिए कि कटारिया और साई में अगर कंपैरिजन किया जाए, कंपटीशन नहीं बोल रही है, कंपैरिजन किया जाए तो जितना एक्टिव कटारिया था उतना एक्टिव ये नहीं था। एक्टिव से मतलब जितने वोटिंग इसके हो सकते थे इसके नहीं, लेकिन बिग बॉस ने उसको आउट कर दिया। दुख हुआ, जो जीत की रेस में था, जो टॉप 3 की रेस में था या टॉप 4 की रेस में था, उसको निकल जाने दिया, उसको निकाल दिया। रही बात अरमान मलिक की, अरमान मलिक और कृतिका के बीच में देखें, दोनों एक ही घर से हैं लेकिन खेल तो खेल है ना। अरमान मलिक और कृतिका में कौन स्ट्रांग है, सब जानते हैं कि अरमान मलिक। कृतिका तो उसकी साय में खेली है, अलग से कुछ उसने नहीं खेला। वो त्यागवेर हुई, सुंदर है, अच्छी है, हंसी मजाक करती है, लेकिन खेला अरमान मलिक। पर एनीवे उसको भी निकाल दिया। और इन दोनों के निकालते ही लाइव बंद हो गई। अब लाइव कुछ भी नहीं है, लाइव शो नहीं देख सकते आप। जो हम जैसे रिव्यू देते थे एडवांस में ही, वो नहीं दे पाएंगे। मुझे नहीं मालूम इनके निकलते ही लाइव क्यों बंद कर दिया गया, किस तरीके से निकले मैंने देखा नहीं, क्योंकि ये आज के एपिसोड में आएगा कि एलिमिनेशन हुआ, किस तरीके से हुआ वो मैंने देखा नहीं। बस मैंने इतना ही देखा कि अरमान मलिक और कटारिया, जो दो स्ट्रांग पिलर थे, वो निकाल दिए गए। मजा नहीं आया, दिल नहीं करा। ये बिग बॉस ने क्या करा, क्या गेम खेला? साई और कृतिका के टॉप 5 में जाने लायक थे? बिल्कुल नहीं। उनकी जगह जाना था कटारिया को और अरमान मलिक को। आप सब जानते हैं कि मीडिया डे के बाद जो भी अरमान मलिक के ऊपर बारिश हुई, बरसात हुई, जो भी हुई, प्रश्नों के बौछार हुई और इतने टेढ़े सब प्रश्न पूछे गए, हालांकि उसने सबका जवाब दिया, पर दिल से वो दुखी था। अब कल जब मुनावर आया घर के अंदर, सबसे उसने इंटरेक्शन करा, जब कृतिका से करा तो कृतिका रो रही थी बातों में, वो डर रही है अंदर ही अंदर। तो मुनावर को लगा कि भाई अरमान मलिक बहुत कूल है और उसने कहा कोई बात नहीं, अगर बाहर ऐसे पायल बोल रही कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इनसाइड उसका चेहरा बदल गया, उसका उसको तैयार होने का कोई मतलब इतना शौक नहीं आया। और जब कृतिका रो रही थी तो वो भी रो रहा था, पता नहीं किसी ने उसके आंसू देखे या नहीं देखे, वो भी रो रहा था, क्योंकि ये रिलेशन तो बन गया, जो ये रिलेशन तारीफ के काबिल नहीं है, लेकिन इस रिलेशन में इन्होंने भी बहुत तकलीफें उठाई, जिनको याद कर करके कृतिका डर रही है। बहुत मुश्किल से इन्होंने इस रिलेशन को, एक समझौता कह लो, एक प्यार कह लो, वो बनाया है। लेकिन कहीं ऐसा लगता है कि बिग बॉस में आके इन बच्चों ने गलती कर दी। इतनी थू बाहर, देखो पायल की भी गलती नहीं है, अगर पायल बोल रही है कि मैं डाइवोर्स दे दूंगी, मैं अलग चली जाऊंगी, क्योंकि ऐसे उसको ट्रोलिंग हुई तो वो खुद से हार गई। अब लोग उसको क्या कह रहे हैं कि तू अब पछता रही है क्योंकि कहीं अरमान तेरे को आके धो न। अरमान एक फैमिली मैन है, वो बना के चलता है, जहां तक मैंने देखा है उसको, जितने मैं उनके ब्लॉग देखती हूं, वो ऐसे
हटाता नहीं, तोड़ता नहीं, समझ के चलेगा अपने फैम, उसको टेंशन है मेरा फैमिली टूट ना जाए, उसके चार बच्चे हैं, फैमिली टूट ना जाए, यही कृतिका को भी डर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, समझदार है और समझ से अपना घर बनाएंगे। मेरी एक सलाह है कि किसी की बातों में ना आकर अपने घर को टूटने मत दो। जितने प्यार से आप लोग रहते थे, पता ही नहीं पड़ता था कि ये गंदे शब्द बोले जाएं तो सौतन है, ऐसा लगता था दो बहनें हैं, अरमान से ज्यादा वो आपस में प्यार करती हैं, और करती हैं, ऐसा दिखाई देता भी है, क्योंकि नेचुरल ब्लॉगिंग होती है, कोई वो जैसे बैठे होते हैं वैसे ब्लॉगिंग करते हैं, ऐसा नहीं कि वो बनठन करा रहे हैं, नो, बिल्कुल नेचुरल ब्लॉगिंग करते हैं, मुझे अच्छी लगती है उनके उनकी ब्लॉग्स, बच्चे इतने प्यारे हैं उनके। पर बैक टू पवेलियन आए तो बिग बॉस ने डिसीजन देकर अच्छा नहीं करा, बिल्कुल अच्छा नहीं करा। मुझ जैसे बहुत लोग यूट्यूब पे पांव पांव कर रहे हैं कि क्यों निकाला कटारिया को, क्यों निकाला अरमान मलिक को, यार टॉप फाइव में तो इनको रखते, अब तो मुझे लगता है पता नहीं कौन जीतेगा, कभी मैं कहती हूं रणवीर जीत जाए पर ये कहीं नेजी को ना जिता दे, ऐसा ना हो कि उस सना मकबूल को ना जिता दे, अब तो कुछ कह ही नहीं सकते। सो फ्रेंड्स, बहुत ही अपसेट हूं, लाइव बंद हो चुकी है और ये डिसीजन, आई एम नॉट वेरी हैप्पी, बिग बॉस मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं देखती हूं, हालांकि इसमें लड़ाई झगड़े गालियां फाइट सब होता है, पर मैं देखती हूं, मुझे ये प्रोग्राम मजा आता है देखते हुए, मैं उसका रिव्यू देती हूँ, बहुत मजे से देती हूँ, खुश होके देती हूँ, और बहुत हर कंटेस्टेंट को बहुत डीपली देखती हूँ कि उसके अंदर क्या अच्छाई है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, तो ये मुझे उतना ही, अब तक जितने भी एलिमिनेशन हुए हैं, मुझे एक नीरज का, एक पायल का और दो इन दोनों की, ये गलत डिसीजन लगा। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इस रिव्यू से एग्री करते होंगे, एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि बिग बॉस का डिसीजन सही था या गलत था। तो चलिए मिलते हैं फिर अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।